हेलो राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आपकी अपनी पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने आज के इस वीडियो में। कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हैं ना? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से ही होंगे। और आज है 11 अगस्त, हरियाली तीज का दिन। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी हरियाली तीज। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, पापा ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। मैं बस यहाँ पर बिस्तर वगैरह सही करके टेबल वगैरह पहुँच करके तांशु को जगाने जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग, तो उठ तो जाओ, आइस ओपनिंग करो, ओपन योर आइस, जल्दी से जल्दी उठ जाओ, सुबह हो गई है। चलो चलो आइस ओपनिंग करो अच्छे से। और अभी हमारे राजा बाबू सीधे चक करके ब्रश करने आ गए हैं। और आज ना मैं इनको अपने हाथों से ब्रश करा रही हूँ, तो देखो कैसे मुंह बनाने लग रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको जल्दी जगा दिया है और इन्हें अभी और सोना था, लेकिन मैंने इन्हें सोने नहीं दिया है। तो ये देखिए कैसे रोने लग रहे हैं और रो रो के ब्रश कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा पूरे घर में पोंछा लगने ही वाला है, तो मैं जल्दी जल्दी घर की साफ़ सफाई के सारे काम निपटाने में लगी हुई हूँ, क्योंकि दिन में मुझे मेहंदी भी लगानी है और मम्मी के भी लगानी है। वैसे तो मैं कल रात को ही मेहंदी लगा लेती, लेकिन इतने दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल ही थोड़ा सा रिलैक्स मिला है, तो मैंने कल कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया, पूरे दिन रेस्ट किया है मैंने। हेलो दोस्तों, और अभी मैं नहा करके सारे काम से फ्री होकर के आप लोगों से बात करने आ गई हूँ। और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फिट हूँ, कैसी भी कोई भी परेशानी नहीं है मुझे। तो आप लोगों के कहने पर मैं डॉक्टर के पास गई थी अपना चेकअप कराने, और मैं डॉक्टर के पास परसों ही गई थी दिखाने, तो 2 दिन में मुझे बहुत आराम मिल गया है। और जब से मैं डॉक्टर को दिखा के आई हूँ तब से मुझे फीवर भी नहीं आया है, लेकिन उन्होंने मेरा ये टेस्ट कराया है, इसकी जो रिपोर्ट है वो कल मुझे मिल जाएगी, तो ये कल मुझे जाकर के चेक कराना है। ये इस तरीके से ये एक टेस्ट किया है इन्होंने मेरे शरीर में, जैसे कि अगर मेरे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन है वो पता करने के लिए ये टेस्ट किया है इन्होंने मेरे हाथ में। ये इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये गोल गोल निशान सा बना हुआ है। अगर इस पे कुछ भी चेंजेस आता है, तो यानी कि मेरे शरीर में ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, तो यही चेक करने के लिए डॉक्टर ने ये टेस्ट कराया है मुझे, जिसकी रिपोर्ट मुझे कल मिल जाएगी, तो मुझे कल चेक कराना है वहाँ जा करके। तो इसलिए अभी मैं हाल फिलहाल हाथस भी नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि पहले पूरा अच्छे से चेकअप करा लूँ डॉक्टर से, उसके बाद ही हाथस जा पाऊँगी मैं। वैसे फीवर में तो आराम मिल गया है मुझे, अब कैसी भी कोई भी परेशानी नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी जब डॉक्टर ने टेस्ट कराया है तो एक बार चेक करा लेते हैं, सारा जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा, है ना। और अभी यहाँ पर मैंने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं धुलने के लिए। वैसे तो ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, डेली वाले ही कपड़े हैं। और बस नीचे जाके खाना वगैरह खाऊंगी, फिर उसके बाद आराम से बैठ करके मम्मी के हाथ में मेहंदी लगाऊंगी और अपनी भी लगाऊंगी। और ये देखिए दोस्तों, मैंने मम्मी के एक हाथ में मेहंदी लगा दी है, ये देखो कैसी लग रही है। अब ज़्यादा अच्छे से तो नहीं आती है मुझे मेहंदी लगाने, क्या मम्मी को नींद आ रही थी सुबह? हाँ नींद भी आ रही थी, हाथ हिला रही थी बार बार, पर फिर भी कोशिश की है कि अच्छे से लगा दूँ, तो आपको अच्छे से दिखाऊँ। और ये देखिए दोस्तों, मेरे हाथों में मेहंदी लग चुकी है, कैसी लग रही है? मैंने अपने हाथों से लगाई है खुद, ये देखिए अच्छी लग रही है डिजाइन। ये डिजाइन मैंने खुद बनाई है अपने हाथों से, थोड़ा बहुत मोबाइल की हेल्प ली है, बाकी कुछ अपनी तरफ से बनाई है मैंने। और आज मैंने हरियाली तीज के इस मौके पर साड़ी पहनी है,
वैसे मैं मायके में बहुत कम ही साड़ी पहनती हूँ, ज़्यादातर सूट में ही रहती हूँ। कोई फंक्शन हो तब भी सूट ही पहनती हूँ, क्योंकि ससुराल में तो मैं हमेशा साड़ी में ही रहती हूँ। वहाँ पर चाहे फंक्शन हो चाहे ना हो, और हाथस में भी मैं ज़्यादातर सूट ही पहनती हूँ। लेकिन वहाँ जब भी कोई फंक्शन होता है या जब भी किसी के यहाँ जाना हो, किसी मैरिज फंक्शन में या किसी और फंक्शन में जाना हो, तो मैं वहाँ पर साड़ी ही पहनकर जाती हूँ। लेकिन यहाँ अपने मायके में मैं बहुत कम ही साड़ी पहनती हूँ। बट पता नहीं आज कैसे मन कराया साड़ी पहनने का। और वैसे भी शादी के बाद पहली बार मैं यहाँ अपने मायके में हरियाली तीज सेलिब्रेट कर रही हूँ। अभी दोस्तों मैं पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ ये ग्रीन कलर की साड़ी पहन के। और ये वैसे तो ग्रीन कलर की ही है, पर इसमें हल्का सा ब्लू कलर भी है, तो यहाँ पर जो कैमरे में आपको लुक थोड़ा ब्लू कलर का नजर आ रहा होगा इस साड़ी का, वैसे ये ग्रीन कलर की है। और ये साड़ी मेरी नहीं है, मम्मी की है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ग्रीन कलर की कोई साड़ी नहीं थी, तो मैंने मम्मी की पहन ली है ये साड़ी। और कॉटन की है ये, तो कैसी लग रही हूँ मैं इसमें। और आज ना मैंने ओपन पल्ले की साड़ी पहनी है, और ये देखिए चूड़ियां भी पहनी है मैंने मैचिंग की। ये देखिए ग्रीन और ब्लू कलर की मिक्स है ना। अच्छी लग रही है, और ग्रीन कलर की बिंदी भी लगा रखी है मैंने, तो हो रही हो ना पूरी ग्रीन ग्रीन। साड़ी थोड़ा ब्लू कलर की नजर आ रही है तो ग्रीन कलर ही, ब्लू कलर नजर आ रहा है इसमें साड़ी का। और अभी यहाँ पर शाम के खाने पीने की तैयारी हो रही है, तो मम्मी ने एक गैस पर खीर बनने के लिए रख दी है, और दूसरी गैस पर मैंने कढ़ाई रख करके उसमें हल्का सा ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने के बाद जीरा डाल करके इसमें ये कसा हुआ पनीर थोड़ा फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि इससे मैं कचौड़ी बनाऊंगी। वैसे तो ऐसे भी बन जाती हैं, फ्राई करने की नीड नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा चलो इस बार थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और ऐड कर दिया है काट करके। पनीर फ्राई करने के बाद मैंने कढ़ाई खाली करके फिर से गैस पर चढ़ा दी है ऐसे ही, और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, और बस हींग जीरा डाल के हल्दी डाल करके ये टमाटर फ्राई कर ले रही हूँ अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर मैं बना रही हूँ बॉईल किए हुए आलू से आलू टमाटर की सब्जी। और मुझे ना आलू टमाटर की सब्जी गरम गरम बहुत अच्छी लगती है, चाहे आप आलू काट के बनाओ चाहे बॉईल करके बनाओ। तो बस मैंने यहाँ पर सारे मसाले डालकर सब्जी भी छौंक दी है, और अभी मुझे आलू की पिट्ठी भी तैयार करनी है कचौड़ी के लिए, क्योंकि पनीर की कचौड़ी के साथ साथ थोड़ी सी आलू की कचौड़ी भी बनेंगी। और इसके लिए मैंने इसमें हींग जीरा अजवाइन और बाकी के सारे मसाले भी ऐड कर दिए हैं। और आलू मम्मी ने पहले ही बॉईल करके मैश करके रख दिए थे, और अब मैं इस पनीर में भी सारे मसाले ऐड कर देती हूँ। और अभी यहाँ पर खीर भी रेडी हो गई है, तो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके मखाने और काजू इसमें ऐड कर दिए हैं, थोड़ी सी चिरौंजी भी डाली है, और अब इसमें ये मैं ऐड कर दे रही हूँ पिसी हुई इलायची। तो अब सब कुछ रेडी है, बस गरम गरम पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ निकालनी हैं। और खाना बनाते बनाते मैं अपने एक सब्सक्राइबर को बर्थडे भी विश कर देती हूँ। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं योगेश मनोज जी, और उनके बेटी का आज हरियाली तीज वाले दिन बर्थडे है, तो मेरी तरफ से उनके बेटी को हैप्पी बर्थडे। आपका बेटा लाइफ में हमेशा खुश रहे और आगे बढ़े। और आज के इस हरियाली तीज के मौके पर और जिन लोगों का भी बर्थडे है, उन सभी को मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और हाँ दोस्तों, मैंने आज खाने में प्याज का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि खाने का भोग भगवान जी को लगाया जाएगा, तो इसलिए ना तो मैंने पनीर की कचौड़ी के लिए इसमें प्याज डाली है, ना ही सब्जी में प्याज डाली थी। और मैंने पनीर की कचौड़ी बनाने के लिए लोहे को हल्का सा बेला है, और उसके बीचों बीच पनीर का ये मिश्रण भर करके चारों तरफ से बंद करके बस ऐसे ही हाथ से कर दिया है, थोड़ा सा बेलन लगाया है बस, फिर उसके बाद हाथ से कर दिया है। और
अभी मैं बस यहाँ पर भगवान जी के भोग के लिए पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ सेक रही हूँ। बाकी का खाना तो जब सब लोग खाएंगे तभी गरम गरम सेकेगा। और भगवान जी के साथ साथ मैंने गाय के लिए भी निकाला है और हमारे बाबा जी को भी भोग लगेगा, तो सबके लिए तैयार कर लिया है मैंने यहाँ पर। और इसी के साथ यहाँ हमारा आज का ये डिनर रेडी हो गया है। खीर, बूंदी का रायता, पूड़ी, आलू की कचौड़ी, साथ में पनीर की कचौड़ी, आलू टमाटर की सब्जी और साथ में ककरौंदे की सब्जी। तो चलिए आइए दोस्तों साथ में डिनर कर लेते हैं। और अभी ना दोस्तों खाना पीना सारा बन चुका है और मैंने पापा को सर्व भी कर दिया है, खाना दे दिया उन्हें खाने के लिए। तांशु भी बैठ गए हैं खाने के लिए, बस मैं और मम्मी रह गए हैं। तो मैंने सोचा पहले ये साड़ी चेंज कर लूँ, वरना साड़ी ख़राब हो सकती है खाना खाने में। तो नई साड़ी है मम्मी की, बेकार में फालतू में ख़राब हो जाएगी, तो पहले इसे चेंज कराती हूँ, सूट पहन के आती हूँ, उसके बाद खाऊँगी खाना में। और मैंने खाना पीना भी ना बड़े हिसाब से बनाया, जैसे कि साड़ी पे कहीं भी कोई भी दाग ना आए। तो साड़ी बिल्कुल ठीक बनी रही है, कहीं भी कोई भी दाग नहीं लगने दिया है मैंने चिकनाई का साड़ी पे। तो चलिए अभी खाना खाना है मुझे, तो पहले साड़ी चेंज कराती हूँ, सूट में आ जाती हूँ साड़ी से, उसके बाद खाना खाऊंगी और फिर थोड़ा बहुत किचन का काम है वो देखेंगे। और अभी खाना पीना सारा हो गया है, गैस भी मैंने साफ़ कर दी है, बस थोड़े से बर्तन हैं, मम्मी धुलती जा रही हैं सिंक में और मैं पोंछ पोंछ के स्टैंड में लगाती जा रही हूँ। और दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 10, किचन का सारा काम हो गया है, खाने पीने का मतलब सारा काम हो चुका है, सारे काम से फ्री हो गई हूँ मैं। और अभी तांशु बाबू को मैं सुलाने आ गई हूँ क्योंकि आज इनको नींद आ रही है। वैसे तो इनको डेली इतनी जल्दी नींद नहीं आती है, 12-1 बजे से पहले ये सोने का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन आज दिन में नहीं सोए हैं ना, और सुबह भी जल्दी जग गए थे, सुबह 8 बजे जग गए थे। वैसे 9-10 बजे से पहले जगते नहीं है सुबह, ये आज सुबह 8 बजे जग गए हैं और दिन में सोए नहीं है हमारे राजकुमार जी। तो आज इनको नींद जल्दी आ रही है और अकेले सोते नहीं है, या तो मैं सुलाऊं या फिर इनकी नानी सुलाए इनको। तो इसलिए मैं इनको सुलाने आ गई हूँ। और ये देखिए मेरी मेहंदी कितना अच्छा कलर आया है। चलिए दोस्तों बातें तो यूँ चलती रहेंगी, अब आप लोगों से ले लेते हैं विदा। और आपको क्या करना है, हमारी आज की इस वीडियो को लाइक करना और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं, है ना तांशु? क्या करना है, बेल आइकन पर प्रेस करना है। कैसे करना है हमारे तांशु बताएंगे आपको कि बेल आइकन पर कैसे प्रेस करना है। कैसे करना है तांशु? घंटी बजा के, ताकि घंटी हट जाए, लाल हो जाए। है ऐसा होता है क्या, लाल हो जाता है और घंटी हट जाती है? नहीं, घंटी हटानी थोड़ी ना है, वो जो बेल सी बनी होती है ना उस पे प्रेस करना होता है, बस टच करना होता है उस बेल पे। तो चलिए दोस्तों अब आप लोगों से ऐसे ही हंसते मुस्कुराते विदा ले लेते हैं। आप लोग भी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, अपनी लाइफ का हर एक पल एंजॉय कीजिए। मिलते हैं जल्दी फिर आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।